हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की पूजा विधि। तो जब हम मासिक धर्म में आ जाते हैं तो करवा चौथ की जो है पूजा विधि के लिए हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि हम पूजा कैसे करें। तो टेंशन छोड़िए और ये वीडियो देखिए, इस शुरू करते हैं पूजा विधि। हर बार की तरह हमें खुश रहकर अच्छे से रेडी हो जाना है, 16 श्रृंगार करना है हमें। बिल्कुल भी दिल में नहीं सोचना है कि हम जो हैं मासिक धर्म में हैं तो भगवान हमारा व्रत नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि हर स्त्री जो स्वाह का व्रत शुरू कर दे तो वो स्वाह का व्रत जो हैं कभी छोड़ते नहीं है बीच में, तो वो तो हमें करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, 16 श्रृंगार करके रेडी हो जाना है हमें खुशी खुशी। और हमें जो श्रृंगार होता है ये सब हम मार्केट से लाते हैं, तो ये हस्बैंड से मंगवा देना है। और ऐसे थाली में 16 श्रृंगार हमें पूरा लाना है। ये हम माँ को अर्पित करेंगे और फिर हमें ही ये एक साल भर के लिए यूज करना है। तो ये देखिए, थाली जो है हमने सजा दी है, हस्बैंड ने सजाई है। और यहाँ पे हमें ये थाली लेनी है, ना कि जो हम किचन में यूज करते हैं झूठी थाली, वो नहीं लेनी है। जो पूजा की थाली है वो लेनी है। और थाली में स्वास्तिक बना के हम पूजा सामग्री ऐड कर रहे हैं। तो पंच मेवे ऐड किए हैं, काजू, बादाम, दाख, अखरोट, ये सब 5 मेवे हैं वो ले लिए हैं। घी का दीपक लिया है, कुमकुम, साबुत सुपारी, साबुत हल्दी और जो भी पूजा सामग्री है सब मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ। फूलों की माला, धूप अगरबत्ती, रक्षासूत्र, कच्चा दूध, 2 मिट्टी के करवे, मिठाई और लौंग, काली मिर्च, इलायची, ये सब पूजा में होती हैं। तो जो सामान हमें आवश्यक चाहिए वही हमने इसमें ऐड किया है। और फ्रूट आपकी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। और मठरी आप घर पे नहीं तो मार्केट से भी लाके यहाँ पूजा में चढ़ा सकते हैं। और चांदी का सिक्का, तो ये जो सामान हमें चाहिए पूजा का वो हमने ले लिया है। माँ का पोस्टर, चुनरी और पाठ का लाल कपड़ा और कथा की किताब और ये सिंगार और ये बायना। तो फ्रेंड्स, हमें इतनी दूरी बना के बैठना है जब हम मासिक धर्म में आते हैं, तो इतनी दूरी में बैठना है। हमारी जो परछाई है वो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ नहीं पड़नी चाहिए। तो सबसे पहले चौकी लगा देनी है। सबसे पहले हस्बैंड ने चौकी लगा दी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है और गंगा जल के छींटे दे दिए हैं। तो अभी यहाँ पर माँ को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से अक्षत ऐड कर दिए हैं और थोड़े से फूल। और अभी करवा माँ का जो पोस्टर होता है, तस्वीर होती है, उन्हें यहाँ पे विराजमान कर देना है और फूलों की माला पहना दी है। और अभी यहाँ पे हमें करवे रखने हैं। तो यहाँ पे खाली जगह पे हमने नहीं रखने हैं, यहाँ पे आप चावल भी रख सकते हैं और कोई भी अनाज रख सकते हैं। तो यहाँ पे करवों में कच्चा दूध और जल भर देना है दोनों ही करवों में। और खाली नहीं छोड़ने हैं, थोड़े से हमें हल्दी जो होती है वो और इसमें फूल ऐड कर देने हैं। और इन्हें खुले नहीं छोड़ने हैं, ढक दे देना है। और चांदी का सिक्का एक करवे में ऐड करना है। तो यहाँ पे करवे जो हैं माँ के आगे रख दिए हैं। और जो ऊपर हमने ढक्कन रखा है उस ढक्कन में चावल और जो ड्राई फ्रूट होते हैं पूजा के लिए वो 5 मेवे वो यहाँ पे रखने हैं हमें। अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो वो भी इसके ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो हमें हर आइटम 4-4 ले लेना है और इसके ऊपर रख देना है। तो 4 बादाम, 4 काजू, 4 पिस्ता, ये सब ऐसे ही करके, अभी ढक्कन छोटा है तो इसमें जितना इसमें रह रहा है उतना ही हमें सामान रख देना है। तो जो साबुत सुपारी थी वही इसमें रखनी है। और एक एक सिक्का रख देना है हमें, 5 का, 10 रुपये हो तो कोई बात नहीं, ज़्यादा पैसे भी आप इसमें रख सकते हैं और पैसे ज़रूर रखने हैं इसके ऊपर। और अभी इसके ऊपर हम रखेंगे घी का दीपक। तो घी के दीपक के नीचे भी हमें चावल या गेहूं रख देने हैं। और माँ को ये दीपक प्रज्वलित कर दिया है। तो अभी माँ को दीपक के जो जलाने के बाद अभी कुमकुम का तिलक लगा दिया है और करवों के रक्षासूत्र बांध दिया है। और अभी स्वास्तिक बनाया है, कुछ जो वीडियो में नहीं आया है तो मैं बोल के बता रही हूँ, आपको मालूम अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे दोनों करवों पे स्वास्तिक बनाया है और कुमकुम से तिलक कर दिया है माँ करवा को। और जो आगे
देखिए माँ को सब चढ़ा रहे हैं एक एक करके। तो इस तरह से जो भी पूजा का सामान है सब आगे ऐसे चढ़ा देना है जो थाली में हमने अभी आपको दिखाया था वो। और यहाँ पे एक एक करके हमें इस तरह से फल फ्रूट और जो मिठाई सब ऐसे जो है माँ को अर्पित कर देनी है। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही हस्बैंड से करवा देनी है। और यहाँ पे ये 16 सिंगार तो वो भी जो है माँ को चढ़ता है। और ये हम साल भर के लिए खुद ही यूज करते हैं। और ये बायना तो ये भी यहाँ पे रख देना है। और पूजा के बाद आप किसी को भी दे सकते हैं, अपनी सास को, ननंद को, स्वागन महिला को देना है। और उसके बाद देखिए पूजा हमारी पूरी संपन्न हो गई है। तो हमें दूर बैठ के ही माँ करवा माँ को हमारे जो व्रत किया है उसका संकल्प लिया है, सब अपने मन में ही जो भी हमारी कामना होती है वो मांग देनी है, अपनी लंबी स्वाग की उम्र और जो भी आपके दिल में हो वो। और उसके बाद हमें सुननी है कथा। तो यहाँ पे हस्बैंड सुना रहे हैं कथा। और कथा सुनते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हाथ में जो है गेहूँ लेने हैं, गेहूँ या चावल हमें हाथ में अनाज ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम तो यहाँ पे जा नहीं सकते, हमारी परचाई भगवान के ऊपर पड़ जाएगी। तो हमें दूर बैठ के ही किसी से भी ऐसे हाथ से ले लेने हैं। तो मुझे रिद्धु दे रही हैं तो यहाँ पे मैंने गेहूँ ले लिए हैं। और अभी हमारी कथा जो है करवा माँ की वो हस्बैंड सुना रहे हैं। तो घर पे ही ऐसे ही हमें कथा सुन लेनी है। वैसे ही हम मासिक धर्म में आते हैं तो हर लेडीज़ के साथ हम जाएंगे तो उनके भी जो व्रत किया होता है तो उनके भी हम साथ में नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही हमें घर पे ही कथा सुन लेनी चाहिए। और कथा सुनने के बाद हमें जो करवे फेरने की रस्म होती है वो हस्बैंड से ही करवानी होती है। पूजा की रस्म हमें पूरी करनी है, एक भी हमें नहीं छोड़नी है। तो जो हमने पूजा अक्सर लेते हाथ में वो यहाँ पे रख दिए हैं कटोरी में। और अभी हम जो हैं करवे फेरने की रस्म हस्बैंड से करवाएंगे। तो ये 5 बार करनी है हमें। जो करवा माँ का करवा होता है वो हमारी तरफ आना चाहिए और जो हमें बोलना है वो हम बोल देंगे, हस्बैंड से नहीं बोला जाता है। तो हम मन में ही बोल देते हैं कि करवा माँ अमर स्वाग दे, करवा माँ अमर स्वाग दे। जब हम करवे फेरते हैं उस टाइम हम ऐसे बोलते हैं। और करवा फेरने के बाद हस्बैंड कर रहे हैं आरती। तो ऐसे हमारी जो करवा चौथ की पूजा है वो हो गई है संपन्न। तो अभी हमें क्या करना है, चंद्रमा जी को अर्घ देना है। तो वो कैसे देंगे, तो जो पंचमेव होते हैं मिश्री वगैरह वो सब जो हमने यहाँ पे प्रसाद में लिया था वही प्रसाद हमें इसमें भी ले लेना है थाली में। और एक घी का दीपक लेना है 4 बाती वाला। और इसमें सफ़ेद पुष्प हो तो ले सकते हैं, नहीं तो गेंदे के फूल भी ले सकते हैं, सफ़ेद चंदन हो तो ले सकते हैं, नहीं तो कुमकुम भी चलेगा। तो ये सब हमने लिया है चंद्रमा जी को, सफ़ेद चंदन से जो है पूजा होती है। तो यहाँ पे जो करवा हमने सिक्का चांदी का सिक्का वाला था जो हमारी तरफ आ गया वो करवा हमें लेना है। इसको इससे हमें चंद्रमा जी को अर्घ लगाना है। और जो साइड में पानी का जल जो आप देख रहे हैं जल का लोटा, तो वो जो है हस्बैंड हमें पिलाएंगे तो वो पानी है। तो ये चंद्रमा जी की अर्घ की थाली भी तैयार हो गई है, इसको भी हमें नहीं छूना है, ये भी हस्बैंड ही जो है लेके ऊपर चलेंगे। और देखिए ये चंद्रमा जी को अर्घ देने की थाली तैयार हो गई है। तो हमें क्या करना है, छन्नी में चंद्रमा जी को देख के हस्बैंड का चेहरा देख लेना है। और उसके बाद हमें छन्नी रख देनी है और चंद्रमा जी को अर्घ वो सब हस्बैंड ही देंगे, हमारे हाथ से भगवान अर्घ नहीं लेंगे। तो ऐसे जो हैं पूजा करते हैं, जब हम मासिक धर्म में आ जाते हैं अर्घ भी चंद्रमा जी को हस्बैंड ही देते हैं। और हस्बैंड की पूजा जो है हम कर सकते हैं। तो हस्बैंड की पूजा में क्या होता है, हस्बैंड का चेहरा देख लिया है और हमें उनको प्रणाम कर देना है, फिर हस्बैंड के हाथ से हमें पानी पी के अपना व्रत जो है पूरा कर देना है। तो ऐसे होती है पूजा विधि जब हम मासिक धर्म में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।